हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गार्लिक पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. गार्लिक गार्लिक ये एक फार्माकोग्नोसी के अंदर ड्रग है. फार्माकोग्नोसी के अंदर हम ये पढ़ेंगे ड्रग गार्लिक. सो सबसे पहले गार्लिक वॉलेटाइल ऑयल के अंदर में आता है. फर्स्ट इज इट्स सिनोनिम. व्हाट डज इट सिनोनिम? इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो गार्लिक को लहसुन के नाम से जानते हैं हम हिंदी में लहसुन के नाम से जानते हैं. सेकंड थिंग, इसका बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से हमें मिलता है, कैसे मिलता है बायोलॉजिकल सोर्स? गार्लिक इज़ दी राइप मतलब पका हुआ राइप बल्ब ऑफ एलियम सटाइवम प्लांट का नाम है. एलियम सटाइवम प्लांट से हमें लहसुन गार्लिक मिलता है. और कौन से पार्ट से? उसके बल्ब से मिलता है. गार्लिक हमें उसके बल्ब से मिलता है, यानी कि गार्लिक एक बल्ब है. थर्ड पॉइंट इसका हैबिटेट. थर्ड पॉइंट इज फैमिली. फैमिली क्या है गार्लिक की? तो फैमिली है लिलिएसी. फोर्थ पॉइंट इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ पाया जाता है. तो इंडिया में हम उगाते खूब हम लहसुन और प्याज वाली सब्जी खाते हैं, मतलब इंडिया में तो ज़रूरी होगा. इंडिया यानी कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर मिलता है. एशिया कंट्री कंटिनेंट के अंदर पाया जाता है. एंड यूएसए में, यूरोप में, इन सारी जगहों पर लहसुन को उगाया जाता है, गार्लिक को ग्रो किया जाता है. फिफ्थ पॉइंट इज़ इट्स मॉर्फोलॉजी, कैसा दिखता है या ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर. मॉर्फोलॉजी के अंदर जो लहसुन होता है वो एक पेरिनियल हर्ब है. पेरिनियल हर्ब का मतलब होता है, सबसे पहली बात ये तो एक हर्ब है, ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, छोटी सी हाइट होती है. पेरिनियल मतलब 2 साल से ज़्यादा ग्रो करता है. मोर देन टू ईयर ये ग्रो करता है. अगर एनुअल होगा इसका मतलब 1 साल तक ग्रो करेगा. बाइनियल मतलब 2 साल तक, और पेरिनियल मतलब 2 साल से ज़्यादा तक वो प्लांट ग्रो करेगा. सो जो गार्लिक है वो एक पेरिनियल हर्ब है और एक बल्ब है. बल्ब की फॉर्म में होता है, बल्ब एंड इनक्लोज्ड. ये जो बल्ब होता है वो इनक्लोज्ड होता है इन अ वाइटिश मेम्ब्रेन. जो लहसुन का छिलका हम देखते हैं तो वो वाइटिश कलर का होता है, सिल्की वाइटिश मेम्ब्रेनस सैक के अंदर वो इनक्लोज होता है. इसका जो बल्ब होता है, इसकी जो शेप होती है कैसे होती है ये देखते हैं. जैसे कि ये जो है वो सॉइल है. इस सॉइल के अंदर इस एक टुकड़े को, लहसुन के क्लोव को बो देते हैं. यहाँ से प्लांट ऐसे मिलता है. इसकी जो कल्टिवेशन होती है ना, सेम होती है प्याज की तरह, अनियन की तरह. ये देखिए, और ऐसे में ये एक पीस जो है लहसुन का वो पूरा एक बल्ब फॉर्म कर लेता है. ऐसे एक पूरा बल्ब फॉर्म हो जाता है. सो ये है हमारी मॉर्फोलॉजी के अंदर पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज इट्स कल्टिवेशन. सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो गार्लिक है वो सेम ग्रोन होता है अनियन की तरह. जैसे अनियन को उगाते हैं वैसे ही गार्लिक हमारा ग्रो होता है. सेकंड पॉइंट की उसको वेल इरिगेटेड, या हम कह सकते हैं वेल ड्रेन्ड सॉइल में उगाते हैं. वेल इरिगेटेड, अच्छे से एकदम खूब पानी वानी चाहिए, इसे बारिश चाहिए. थर्ड पॉइंट इज वेल ड्रेन्ड, वेल इरिगेटेड एंड हैवी मेन्योरिंग. खूब अच्छे से मेन्योर भी चाहिए इसे, हैवी मेन्योरिंग. फोर्थ पॉइंट कि जो सॉइल होता है वो हमें क्लेई या लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है. क्लेई लोमी सॉइल की ज़रूरत है इसके को ग्रो करने के लिए. फिफ्थ पॉइंट कि जो सॉइल होना चाहिए वो वेल प्लग्ड होना चाहिए, अच्छे से खुदा हुआ होना चाहिए. सिक्स्थ पॉइंट कि जो गार्लिक है वो प्लेनी रीजन पे, प्लेन्स में, तो अक्टूबर
इसका नवंबर में ग्रो होता है या प्लांटेड होता है, प्लांट किया जाता है, पर जितने भी हिली एरियाज होते हैं, हिली एरियाज जैसे कि उत्तराखंड, उन समय हिली एरियाज के अंदर ये फरवरी मार्च के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ग्रो किया जाता है, प्लांटेड होता है। सो ये सिक्स पॉइंट। सेवन्थ पॉइंट इज गार्लिक अनियन वेल ड्रेन्ड वेल इरिगेटेड हैवी मैन्योरिंग चाहिए सॉइल क्ले। से हम इसको गार्लिक को कैसे ग्रो करते हैं वो अब समझते हैं। क्या होता है कि खेतों में ऐसे प्लग कर दिया सबसे पहले हमने सॉइल को, देन उसके बाद ऐसे ऐसे रोज बना दिए जाते हैं, बहुत सारे रोज बना दिए जाते हैं खेतों में। देन इन रोज के बीच में कुछ कुछ दूरी पर हम एक क्लोव लाते हैं, क्लोव, और ऐसे करके इसको प्रेस कर देते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर जमीन के अंदर प्रेस कर देते हैं। ये देखिए जैसे कि ये लहसुन हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 3D तो बन नहीं पाया, 2D है, तो ये अपनी जगह पे उगेगा। ये जो होता है ना उसको कहते हैं क्लोव, क्लोव। और एक जो पूरा बल्ब होता है अनियन का, पूरा बल्ब ऐसे हमारे घर में ऐसे पूरा बल्ब होता है, इस बल्ब को जब हम निकालते हैं तो एक लहसुन का टुकड़ा मिलता है जिसे हम क्लोव बोलते हैं, और इस पूरे को हम बल्ब बोलते हैं, गार्लिक का बल्ब, और इस एक टुकड़े को ग्लो बोलते हैं जो कि जमीन के अंदर थोड़े से प्रेस कर दिया जाता है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। देन कैसे प्रेस किया जाता है, जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, ऊपर वाला पार्ट लाइक दैट, ऐसे सपोज दैट कि ये हमारा एक लहसुन है, ठीक है, गार्लिक है, ये वाला पार्ट को कहते हैं, इस वाले ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं प्लूम्यूल, और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। तो इस रेडिकल को तो जमीन के अंदर डालेंगे, और ये प्लूम्यूल वाला पार्ट जो होता है वो उठा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए प्लूम्यूल, ताकि जो शूट है वो ऊपर में उगे, शूट ऊपर में हो। प्लूम्यूल से क्या मिलता है हमें, शूट, और रेडिकल से हमें रूट मिलता है इन फ्यूचर। सो ये हुए हमारे कुछ कल्टिवेशंस गार्लिक के। नाउ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गार्लिक, कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट है। सबसे मेन केमिकल है एलिसिन। ये वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है एलिसिन अब करता क्या, पहले ये देखते हैं। एलिसिन एक येल्लोइश लिक्विड जो कि रेस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर the odor or smell of garlic। जो garlic की smell आती है, जो garlic की जो बदबू है वो एलिसिन के कारण ही आती है, एलिसिन इज द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ garlic। गार्लिक के अंदर जो बदबू आती है, उसकी जो स्मेल है वो एलिसिन के कारण आती है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए गार्लिक में ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो कि उसकी स्मेल को, उसके ऑर्डर को बताता है। सो आप आंसर देंगे एलिसिन मैम या सर। सेकेंड पॉइंट वाइवा में पूछा जाता है, सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर एलिसिन के साथ साथ एलीन भी प्रेजेंट होता है, एलीन प्रेजेंट होता है। एलीन जो होता है वो वाटर के अंदर जब हम इसे डिसॉल्व करते हैं तो वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, लेकिन ये एलीन जो है वो इनसॉल्यूबल है ईथर के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर, एसीटोन के अंदर, बेंजीन के अंदर, इन सारे जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनके अंदर एलीन जो होता है वो इनसॉल्यूबल होता है, बट जो एलिसिन होता है वो सॉल्यूबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने भी मैंने पहले बताया कि जो गार्लिक है वो वॉलेटाइल ऑयल है, तो वॉलेटाइल ऑयल्स जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, बट सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, कीटोन, इन सब के अंदर जो है वो इनसॉल्यूबल होते हैं, और वो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। सो एलिसिन जो है एक वॉलेटाइल ऑयल है, इसीलिए ये इनसॉल्यूबल है वाटर के अंदर। बट उसके बावजूद भी हमें उसका टेस्ट, ऑर्डर, ये सब आप मिल जाता है। इसको मैं रब कर देती हूँ एलिन को,
इसके बावजूद भी ये इनसॉल्यूबल है, एलिसिन इनसॉल्यूबल है, बट इसके बावजूद भी इसका जो फ्लेवर होता है, इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर, फ्लेवर, टेस्ट, वो सब कुछ हमें मिल जाता है। पर ये तो इनसॉल्यूबल है वाटर के अंदर, ऐसा क्यों होता है? एलिसिन के अंदर वॉलेटाइल ऑयल के साथ साथ एसेंशियल ऑयल भी प्रेजेंट होता है, एसेंशियल ऑयल जो होता है वो होता है सॉल्यूबल इन वाटर। इसी सॉल्यूबिलिटी के कारण हमें एलिसिन का जो है टेस्ट पता चल पाता है, अगर ओनली वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। सो ये हुए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। नाउ और भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेकेंड तो मैंने बता दिया था एलिन। थर्ड, इसके अंदर एलिनेज एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, एलिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है गार्लिक के अंदर, एंड इसके अंदर ल्यूसीन अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड। सो ये चार जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि गार्लिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे मेन बट एलिसिन है, क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्डर ऑफ गार्लिक की, जो उसकी बदबू होती है, जो स्मेल होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इसके यूजेस पढ़ते हैं, यूजेस ऑफ गार्लिक। यूजेस ऑफ गार्लिक गार्लिक किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, लहसुन किन किन चीज़ों में यूज़ होता है? कार्मिनेटिव का मतलब क्या हुआ? रिलीव फ्लक्चुलेंस मतलब गैसी फीलिंग। पेट के अंदर जब गैस बन जाती है, गैसी फीलिंग, उसको ठीक करता है। जब गैस बन जाती है तो मम्मी क्या बोलती है, लहसुन को चबा लो, उससे गैसी फीलिंग जो है, गैस बननी कम हो जाएगी। इसका मतलब कार्मिनेटिव है, कार्मिनेटिव का मतलब होता है रिलीफ फ्लक्चुलेंस, तो गार्लिक कार्मिनेटिव है। सेकंड, जब कफ होता है या कफ के साथ साथ तो फीवर हो गई, फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम, कफ के अंदर यूजफुल है, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है, ये क्या करता है कि जो कफ होते हैं स्टिकी होता है, कफ स्टिकी होता है, उसको क्या करता है, लूजन करता है, उसको पतला करता है, लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, ताकि क्या हो, वो ट्रेकिया से बाहर आए। अब ट्रेकिया से बाहर आएगा, फिर माउथ में आएगा और फिर हम स्पिट आउट कर देंगे। वो क्या करता है, एक्सपेक्टोरेंट का क्या होता है कि कफ को ये लूजन करता है, पतला करता है, स्टिकीपन जो होता है उसको वो कम करता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कफ के साथ साथ अस्थमा में भी यूज होता है, ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर भी यूज होता है गार्लिक का। अस्थमा क्या होता है कि इसके अंदर ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर, लंग्स के अंदर क्या होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, तो ब्रोंकियोल्स के अंदर म्यूकस भर जाता है या स्टोर हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो वेशल होती है वो स्वेल हो जाती है, और जो स्पेस बचता है ट्रांसपोर्ट का ऑफ एयर और एयर पैसेज का, वो बहुत कम हो जाता है। एयर पैसेज कम हो जाता है और अच्छे से हम सांस नहीं ले पाते, क्योंकि स्पेस कम हो जाता है एयर पैसेज के लिए, और वो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है म्यूकस के डिपोजिशन के कारण। इसीलिए अस्थमा की जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होता है। एंड एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज, इन वेशल्स, आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल फैट जो है वो जमा होने लगता है। उससे होता क्या है, जमा होने लगता है तो स्पेस जो होती है, ब्लड के फ्लो की स्पेस बहुत कम रह जाती है, उससे ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है, और डेथ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में, ब्रोंकियल अस्थमा में, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में, एंड हमारा वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे हम बोलते हैं, वूपिंग कफ के में भी बहुत यूज़फुल है गार्लिक। साथ ही साथ ये प्रॉपर्टीज़ के साथ में गार्लिक की एक अन्य प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एफ्रोडाइसिएक, यानी कि ये सेक्सुअल डिज़ायर को
या हम कह सकते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को इनहेंस करता है, इनहेंस करता है, एक्टिविटी को इनहेंस करता है। सो ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ हुई कि ये कार्मिनेटिव गैस को कम करता है, गैसी फीलिंग को रिलीव करता है, कफ में यूज़ होता है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम आता है, इन वूपिंग कफ, इन ब्रोंकियल अस्थमा, इन एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, इन सब डिजीज़ में। और थर्ड पॉइंट है ये एफ्रोडाइसिक की तरह काम आता है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल डिज़ायर को इनहेंस करता है, बढ़ावा देता है। सो ये हुए कुछ गार्लिक के पॉइंट्स। थैंक यू सो मच।